जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। जी हाँ दोस्तों, जो लोग हमसे बोल रहे थे कि सर नहीं, 25 मार्च से एसएससी जीडी के आवेदन शुरू नहीं होंगे, तो दोस्तों उनको बता दूं कि आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि स्टडी फॉर जीनियस ना पहले गलत हुआ है और ना कभी रहेगा। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, आपके सरकारी रिजल्ट.com पर भी दोस्तों एसएससी ने यहाँ पर अपना जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इसका जो लिंक है कब एक्टिवेट होगा वो भी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं दोस्तों सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एप्लीकेशन बिगेन लिखा हुआ है 25/3/2021। और देखिए फ्रेंड्स, इसके जो आवेदन हैं वो 10/5/2021 तक चलेंगे और शाम के 5 बजे तक। यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं ना, ये देखिए फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा क्या गया है, 1600 मीटर आपकी जो रनिंग है वो लड़कियों के लिए है और यहाँ पर 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो लड़कों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको पहले बता दिया वीडियो में, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, लिखा गया है अप्लाई ऑनलाइन। देखिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट टूडे, ठीक है, लिंक एक्टिवेट टुडे। देखिए फ्रेंड्स कब एक्टिवेट होगा, यहाँ पर देखिए इसके बारे में ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये सरकारी रिजल्ट.com की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा गया है कि पोस्ट डेट 25 मार्च 2021 12:55 AM पर आया था रात को, ये ठीक है, रात को आया था 12:55 AM पर, और 25 मार्च को पोस्ट अपडेट हुआ था 12:56 पर, यानी दोस्तों इसका जो पोस्ट अपडेट हुआ था वो 12:56 हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब कुछ लिखा गया है, और मैं आपको एक बार बैक करके भी दिखा देता हूँ ताकि दोस्तों आपको विश्वास हो जाए। देखिए सरकारी रिजल्ट ही है जिसे आप अपनी वहाँ पर खोलते हैं अपने मोबाइल में, और सबसे ऊपर ही लिंक एक्टिवेट हो चुका है, ये देख लीजिए, सर एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021। क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है कि सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये यहाँ पर खुल जाएगा, ये देख लीजिए खुल चुका है ना, यहाँ पर सब कुछ खुल चुका है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सब कुछ साफ साफ नज़र आ जाए, देखिए जूम हो चुका है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर आपकी जो फीस रहने वाली जनरल की और ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की, वो दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये रहने वाली है, ठीक है। लेकिन किसके लिए, ये दोस्तों आप सभी के लिए जो यहाँ पर मेल है, ठीक है, जो मेल है उनकी बात कर रहा हूँ ओनली, और जो एससी और एसटी से मेल और फीमेल दोनों के लिए दोस्तों कोई फीस नहीं रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो महिला है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आती हो, उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रहेगी। ध्यान से सुन लीजिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ। अब एज को बारे में दोस्तों, आपका जो एज का कन्फ्यूजन था ना, देखिए कब से एज काउंट होगी, मैंने आपको पहले बताया था वहां पर दोस्तों, गलत लिखाया गया था उस वेबसाइट पर, लेकिन देखिए 1/7/2021 से आपकी एज काउंट होगी, लिख दिया ना भाई, साफ साफ लिख दिया है 1/7/2021, यानी कि भाई जिनकी, ध्यान से सुन लीजिए भाई, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आप सभी को, कि जिनकी 1/7/2003 का यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ है, ध्यान से बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा दोस्तों ये बात, तो वो दोस्तों फॉर्म का अप्लाई कर सकता है, यानी कि जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/7/2003 से दोस्तों पहले की डेट ऑफ बर्थ है, इसके बाद की है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर इससे पहले की है, 1/7/2003 से डेट ऑफ बर्थ आपकी पहले की है, ठीक है, 1/7/2003 से पहले की है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर ये भी लिख गया ना कि 2/7/2003, तो आप तब भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ध्यान सुन लीजिए मेरी बात को, ध्यान से सुन लीजिए, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोई नहीं बताएगा, बहुत ज़्यादा डीप बात है ये, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2003 से पहले की है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। अब कमेंट बॉक्स में ये मत लिखिएगा सर मेरी इतनी है, यहीं पर चेक कर लीजिए सब कुछ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 10वीं पास है तो इसमें आपका आसानी से हो जाएगा, 10वीं पास यानी कि 10th पास आपको होना चाहिए, हाई स्कूल पास। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे इतने परसेंट है, क्या मैं फॉर्म को अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देखिए मेरे दोस्त, इसमें परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, क्या परसेंटेज का कोई भी मतलब नहीं है, आपके बस मार्कशीट में ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द होता है PAS, ये पास लिखा होना चाहिए, ठीक है, ये पास लिखा होना चाहिए तभी दोस्तों आप कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, सब कुछ लिखा हुआ है, हाइट जो है आपकी 170 सेंटीमीटर है वो पहले बता चुका हूँ। अब मेल जो ST के हैं, ध्यान सुन लीजिए, ST वाले बोलते हैं सर हमारी हाइट कितनी रहेगी, तो 165 सेंटीमीटर हाइट, जो यहाँ पर किसके कैटेगरी आते हैं, जो दोस्तों आते हैं आपके यहाँ पर ST से, ठीक है, और जो फीमेल हैं, जो जनरल OBC ST से आती है उनकी 157, और जो फीमेल ST से आती है उनकी 155 सेंटीमीटर। चेस्ट आपकी वही रहने वाली है 80 से 85, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको फुलाप देना पड़ेगा। और देखिए 76 से 80 है, किसकी है, 76 से 80 आपकी ST वालों के लिए चेस्ट रहने वाली है, ठीक है, जो ST के यहाँ पर मेल कैंडिडेट है। रनिंग मैंने आपको बता दी है 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग कवर करनी पड़ेगी, यानी 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में आपको कवर करनी पड़ेगी, ठीक है।
और दोस्तों इनके लिए भी एसटी वालों के लिए भी 5 किलोमीटर की रनिंग रहने वाली है, लेकिन जो महिला हैं उनको 1600 मीटर दौड़नी पड़ेगी 8.5 मिनट में, ठीक है, ये सभी जानते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए आपका कुछ ही देर में यहाँ पर जो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है और नहीं दोस्तों अभी तक नोटिफिकेशन का लिंक एक्टिवेट हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों का दोस्तों अभी लिंक एक्टिवेट 2 डे दिखा रहा है, यानी कुछ देर में दोस्तों आपका जो लिंक है यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों अभी जो टाइम हो रहा है 11:11 हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा टाइम हो रहा है 11:11। ऊपर आप देख लीजिए यहाँ पर 11:12 हो चुकी है, ठीक है, 11:11 का टाइम हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद आपका दोस्तों ये टाइम बदलेगा और दोस्तों शाम तक आपको यहाँ पर जो लिंक है ये एक्टिवेट हो जाएगा, लिंक एक्टिवेट शाम तक हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से दोस्तों आपको तैयारी करनी है इस साल दोस्तों, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बार बता दूं कि जो आपको बहका रहा है उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है, बिल्कुल यही दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और दोस्तों यही ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है आपकी सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।